हमारे ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। और बेटा हमने पहले भी बताया था कि डिफरेंट यानी टोटल क्वेश्चन ह्यूमनाइज ना करके एक पर्टिकुलर ऑर्गन का नेम दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे रेटिना दे दिया गया और फिर बोलेगा कि रेटिना का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ये क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बस इतना बता देना। कॉर्निया क्या होती है, जो लेंस होता है आई लेंस, उसका नेचर कैसा होता है, तो उसका नेचर हमने बताया था कि कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है ना, कन्वर्जिंग नेचर होता है। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा अबाउट डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आईज। तो आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पर ईयर क्वेश्चन एक डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आईज से रिलेटेड आता ही है, एक क्वेश्चन कन्फर्म है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। और अगर डिफेक्ट्स की बात करें तो बहुत से डिफेक्ट्स हैं, इनमें जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर हम जनरली देखते हैं, वो है मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। सेकंड इज हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं। प्रेसबायोपिया, जिसमें दोनों चीजें प्रॉब्लम होती है, मतलब पास और दूर की दोनों के ऑब्जेक्ट्स दिखने में प्रॉब्लम होती है। कलर ब्लाइंडनेस, यानी डिफरेंट कलर्स में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे अबाउट शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। तो पुट द हेडिंग व्हाट मायोपिया, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, तो सिंपली इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अ पर्सन कैन सी, cannot see nearby, cannot see distant object clearly, but can see nearby object clearly। इसका मतलब ये है, short sightedness का मतलब क्या है कि object यानी पास के object तो clearly दिखते हैं, distant object अच्छे से नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे and this type of defect and this type of defect a person can see nearby object clearly but cannot see distant object clearly। yani in this type of defect a person can see nearby object, yani pass ke object ko acche se dekh sakta hai but cannot see distant object clearly, but distant के object को अच्छे से नहीं देख सकता है, तो इस type के हम defect को क्या बोलेंगे, myopia बोलेंगे या short sightedness। तो आप लोग भी बता सकते हैं, कोई person है इसकी पास की तो अच्छी नजर है, दूर को नहीं दिखता है, इसका मतलब उसको कौन सा defect है, myopia। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट किसका करेक्शन क्या है और रीजन क्या है। इस टाइप के डिफेक्ट में ये प्रॉब्लम होती है, चलो हम बाद में करेक्शन की बात करेंगे, करेक्शन पहले रीजन पढ़ेंगे, कॉजेस। तो इसके मेनली दो रीजन हो सकते हैं, मतलब मायोपिया के कोई पर्सन में अगर
मायोपिया है, डिफेक्ट है आईज में, तो उसके मेनली कितने रीजन हो सकते हैं? दो, देयर मे बी मेनली टू रीजंस फॉर मायोपिया. फर्स्ट इज उसकी आई का जो आईबॉल है वो बढ़ गया हो, मतलब आईबॉल क्या हो, बड़ा हो. पहला हो सकता है रीजन इलॉन्गेशन ऑफ आईबॉल, इलॉन्गेशन ऑफ आईबॉल. तो इलॉन्गेशन यानी आईबॉल बढ़ जाने से जो इमेज बनेगी, हम यहां पर इमेज भी बना लेंगे, एक ये आई है, ठीक है, ये लेंस है. एलॉन्गेशन की वजह से जो लाइट रेज हैं वो क्या हो जाती हैं, रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं, यानी कोई पॉइंट एक्स है वहां पर मिल जाती हैं. यानी लाइट रेज जो दूर से आती हैं वो रेटिना पर ना मिल करके वो पहले ही किसी सर्टेन पॉइंट पर मिल जाती हैं, ठीक है ना. तो इस सिचुएशन में आईबॉल के एलॉन्गेशन से ही हो सकता है. दूसरा सेकेंड रीजन है इसका जो कर्वेचर है वो ज्यादा, कर्वेचर दो टाइप के होते हैं, एक ये कम कर्वेचर है, कर्वेचर का मतलब ज्यादा गोलाई हो, यानी इस टाइप की लेंस, वाई लेंस, ठीक है ना. तो एक्सेसिव कर्वेचर हो सकता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, ठीक है. तो ये दो मेन कॉजेस हो सकते हैं डिफेक्ट के, ठीक है. तो पहला कॉज क्या है, पहला रीजन क्या है, इलॉन्गेशन ऑफ आईबॉल और एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, ठीक है. फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे करेक्शन कैसे करेंगे. करेक्शन, तो करेक्शन करने के लिए इधर देखो बेटा, दो टाइप के लेंस हमने पढ़ा है और यहां पर ये कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस इमेज हमेशा उसी साइड बनाता है, वर्चुअल इमेज. बट अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की तो इमेज इधर बनाता है. तो इसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो इमेज इधर ही बनेगा ना. तो हम बात करेंगे इसकी कि इमेज, सॉरी, जो इंफिनिटी से आ रही है लाइट रे, वहां से इमेज कहां पर बनेगी, नियर बाई बनेगी, और नियर बाई ऑब्जेक्ट तो पर्सन को अच्छे से दिख रहे हैं, इसलिए इसको करेक्ट करने के लिए हम कैसे लेंस का यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, ठीक है ना. तो लिखोगे दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय टू इज concave lens is used to reduce this defect. यानी इस डिफेक्ट को दूर
करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। इसके लिए हम डायग्राम भी बना लेते हैं, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए फिर हम डायग्राम बनाते हैं। फर्स्टली ऊपर अपर साइड बना देते हैं डायग्राम या नीचे ही देखते हैं। ये तुम्हारा आई लेंस हो गया, यहां हो गया रेटिना। अब इमेज ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर हम यहां क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट कहां से दिखना चाहिए हमें, इन्फिनिटी से दिखना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है ये, ठीक है। और इसका जो वर्चुअल इमेज बनेगा इस टाइप से होगा, और वर्चुअल इमेज क्या करेगा, यानी यहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इमेजिनरी इमेज बनी यानी वर्चुअल इमेज बनी यहां पे, ठीक है। अब ये जो इमेज होगी वो आई लेंस के लिए किस कवर करेगी, ऑब्जेक्ट कवर करेगी, और पास की वस्तु में तो आप आई को अच्छे से दिख रही है, मायोपिक आईज में तो इस तरह ही क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा ऊपर दिखा देना और फिर ये यहां पे मिल जाएंगे, ये इमेज फॉर्म हो जाएगी। नोट कर लीजिए जल्दी से डायग्राम, फर्स्टली नोट करिए इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉजेस पूछते हैं और करेक्शन कैसे होता है इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। The next heading, second hypermetropia or long sightedness, ठीक है ना। तो long sightedness है यानी distant object अच्छे से दिखेंगे बट नियर बाई ऑब्जेक्ट नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी इस टाइप के डिफेक्ट में कोई पर्सन, ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो क्लियरली देख सकता है बट नियर बाई ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, और उसी हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। कॉजेस क्या हो जाएंगे, कॉजेस पहला कॉज ये हो सकता है, देयर मे बी टू मेन कॉजेस फॉर दिस डिफेक्ट, लिख लेंगे
there may be two main causes of this defect. First है वहां पर curvature ज्यादा था, यहां पर curvature क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और दूसरा वहां eyeball long थी, elongation था, यहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो पहला point ये हो जाएगा, eyeball is too short. First is eyeball short. And second हो जाएगा, eye lens is not sufficiently converging. Eye lens is not sufficiently converging. इसका मतलब ये हुआ, डायग्राम से हम समझ लेंगे. कन्वर्जिंग नहीं है, कन्वर्जिंग का मतलब है ज्यादा सर्कुलर में आप करके फ्लैट है इस टाइप से, ठीक है. और जब फ्लैट होगा तो लाइट डेविएट कम होगी और वो जो है यहां पर आर पर ना मिल करके कहां पर मिलेगी, कोई पॉइंट सी होगी, यानी यहां कॉर्निया पर ना मिल करके किस रेटिना पर ना मिल करके कहां, रेटिना के बिहाइंड जाके मिलेगी, ठीक है ना. तो इसी कारण ये डिफेक्ट आराइज होता है, ये रीजन है, ठीक है ना. हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए दिखाएंगे. ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके करेक्शन की. करेक्शन में क्या होगा, उसके लिए हम किसका यूज करते थे, कॉनकेव लेंस का यूज करते थे. इसमें किस लेंस का यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे. तो दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय using convex lens of sufficient focal length. किसका यूज करेंगे हम, concave lens का, sorry convex lens का यूज करेंगे, ठीक है ना. तो चलिए देख लेते हैं डायग्राम से. यहां ऑब्जेक्ट नियर रखा हुआ है और फिर ये बेंड हो जाएगी और यहां से बेंड होकर के क्या करेगी, रेटिना पर मीट कर जाएगी. यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, नोट कर लीजिए, फर्स्ट से जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग. फिर हम दो अदर डिफेक्ट्स की बात करेंगे. नोट हो गया होगा, चलिए
फिर हम थर्ड डिफेक्ट की बात करेंगे जिसका नाम है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है बेटा जो पर्सन की एज पर डिपेंड करता है। तो सिंपली प्रेसबायोपिया क्या है, पहले पुट दैट इन, थर्ड प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होता है, जब हमारी एज बढ़ जाती है, यानी पर्सन की एज हो जाती है, ओल्डर पर्सन को होता है, तो सीरियरी मसल्स वीक हो जाती हैं और इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, और इस टाइप से पर्सन को नियर बाय ऑब्जेक्ट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दोनों देखने में प्रॉब्लम होती है। तो उसी टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया। ठीक है, तो लिख लीजिए, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट as well as nearby object clearly। ठीक है ना, यानी कोई पर्सन पास की वस्तुएं और दूर की भी ऑब्जेक्ट्स अच्छे से नहीं देख सकते, यानी दोनों टाइप के प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, प्रेसबायोपिया। और ये क्या होता है ड्यूरिंग ओल्डर डेज। ठीक है, तो दिस डिफेक्ट आगे लिख लीजिए, दिस डिफेक्ट इन ह्यूमन आई अकर्स, this defect in human eye occurs in occurs due to aged due to aging। फिर हमने बताया क्यों होता है, कॉजेस क्या होंगी। कॉजेस ये होती हैं कि ह्यूमन आई की जो आई लेंस की होती है फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी, फर्स्ट इज डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी। और सेकेंड इज वीकिंग ऑफ सीलियरी मसल्स, वीकिंग ऑफ सीलियरी मसल्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। करेक्शन कैसे होगा, बायोफोकल लेंस का यूज करेंगे। मतलब देखिए, जो जिनकी आईज ज्यादा वीक होती हैं, तो उनके जो गूगल को लगाते हैं आप ऑप्टिकल को लगाते हैं, तो उसमें नीचे देखेंगे तो ऐसा लगता है काफी भारी गड्ढा है, डिस्टेंट पर देखेंगे तो तब भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, जो ओल्डर पर्सन होते हैं तो वो क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। तो करेक्शन दिस डिफेक्ट is reduced by using
यूज करेंगे हम बाइफोकल लेंस का यूज करेंगे, ठीक है ना। नोट डाउन इट फास्ट और फिर हम आगे बात करेंगे। फोर्थ है हमारे पास रीडिंग कलर ब्लाइंडनेस। अ पर्सन हैविंग डिफेक्टिव सेल्स फोन्स देन इट इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कलर्स। यानी हमने बताया था कि जो कोरोइड होती है आईबॉल में, कोरोइड होती है और कोरोइड में क्या होती है सेल्स, कौन सेल्स होती हैं, अगर वो डिफेक्टिव है तो उसमें क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। तो पुट द हेडिंग फोर्थ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस सिंपली अ पर्सन हैविंग डिफेक्टिव कोन सेल्स इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट नॉट एबल टू डिफरेंशिएट between the different colors. This type of defect is known as color blindness. ये ऐसा डिफेक्ट है जो जेनेटिक होता है, मतलब अगर फादर या मदर में है तो उसके सन्स में भी क्या हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, नेसेसरी नहीं है बट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि कलर ब्लाइंडनेस उसके बच्चे में भी हो, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ड्यू टू डिफेक्टिव कोन सेल्स पर्सन क्या करता है डिफरेंट कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसे ही हम क्या बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस। आज की क्लास में इतना ही, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स इसको अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिस्पर्सिव एंड ड्रिल। थैंक यू।